नमस्कार दोस्तों, कल है 9 मई और शुक्रवार। कल निफ्टी के लेवल की बात करें तो निफ्टी ने एक आज डाउन की तरफ मूवमेंट दिया है। कल के लिए बात करें तो यहाँ पे सीपीआर देख सकते हैं, ये सीपीआर है निफ्टी का। अगर सीपीआर के अंदर या सीपीआर का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, 18,700 का लेवल निकाल देता है तो पहला टारगेट 18,700 रहेगा। अगर दूसरे टारगेट की बात करें तो 750 और 55 ये रहेगा, लगभग लगभग 60 के लगभग। अगर ये निकाल देता है मार्केट ऊपर की तरफ बाइंग में तो 18,800 और 850 और ऑल टाइम हाई है 18,900, यहाँ तक मार्केट आने के ज़्यादा चांस रहेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है। बैंक निफ्टी लगभग लगभग ऑल टाइम हाई लगा चुका है आज, तो इसमें ज़्यादा चांस रहेंगे कि ऑल टाइम हाई लगा दे। सेलिंग की बात करें तो 18,650 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तो 18,600 और आज का जो सीपीआर है ये वी सीपीआर का काम करेगा। कल का ये कल का सीपीआर है तो वी सीपीआर का करेगा। यहाँ से रिवर्सल होता है तो वापस बाइंग होती है। अगर कंटिन्यू सेलिंग रहती है तो 18,550 और 18,500 यहाँ तक के टारगेट सेलिंग की तरफ रहेंगे। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट किस तरह देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया 44,450, लगभग 436 का पहले ऑल टाइम हाई था और 450 लगभग यही था, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा दिया है। बाइंग की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा मार्केट के पास, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर सीपीआर का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं मार्केट और 44,170 का लेवल ऊपर की तरफ निकाल देता है तो बाइंग देखने को मिलेगी। पहला टारगेट रहेगा 200, 255, 250 और 255 और 300, ये दूसरा टारगेट रहेगा 300। अगर ये लेवल कंटिन्यू रहता है ऊपर की तरफ तो 44,400 और 450 ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई निकालने के बाद 500 और 600 तक के लेवल आसानी से मिल जाएंगे। सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे 44,050 का एक 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देता है मार्केट नीचे की तरफ, क्योंकि ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है, यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट है मार्केट के पास, अगर ये कैंडल क्लोज कर देता है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे 43,900 और 43,800 और 750 ये तीन बड़े टारगेट रहेंगे सेलिंग की तरफ। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।